आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पहले लेक्चर को, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो जो कवर करने वाले हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी सेमिस्टर के एग्ज़ाम के लिए, IBPS FO एग्ज़ाम के लिए, MCR एग्ज़ाम के लिए, GRF के लिए और प्री पीजी जो हर स्टेट में कंडक्ट होती है प्री पीजी एग्ज़ाम, उसके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। हम उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी कवर करने वाले हैं, उसमें पहले जीन्स है, फिर अलील हम कवर करेंगे क्या होता है अलील, उसमें हम देखेंगे अलील्स में ट्रेट क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, क्रोमोसोम्स कैसा रहता है, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, यह सभी टर्मिनोलॉजीज हम एक एक करके आज पढ़ लेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली जो टर्मिनोलॉजी है उससे। तो व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन और सेट ऑफ प्रोटीन। मीन्स ये हमने अगर हमारा डीएनए कंसिडर किया तो मान लीजिए मैं उसको ओपनली ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर उसमें बेस पेयर रहते हैं जैसे कि AT, GC। जब मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या डीएनए का स्ट्रक्चर आपको सिखाऊंगा तब ये सब मैं बताऊंगा बेस पेयर कैसे रहते हैं, इसमें क्या अंतर रहता है और ये कैसे एक्ट करते हैं, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसमें गैप कितना होता है, ये सभी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आप इमेजिन कर लो कि ये वाला इतना सेगमेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ CG, और इसी सेगमेंट आगे रहेंगे और यहाँ पर भी रहेंगे। तो मान लीजिए कि ये वाला इतना सेगमेंट एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड कर रहा है। हमने मान लिया कि ये एक्स नाम के प्रोटीन को कोड कर रहा है और ये एक्स नाम का प्रोटीन जाके हमें कुछ एक्स मीन्स वो ये जो एक्स नाम का प्रोटीन है वो जाके हमें स्पेसिफिक एक्सप्रेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स नाम का प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लैक हेयर को। ये कंपलसरी नहीं है कि वो ब्लैक हेयर ही बनाएगा, मीन्स मैंने एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है मैंने ब्लैक हेयर। तो फिर ये वाला जो सेगमेंट है डीएनए का इसे हम जीन बोलेंगे क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लैक हेयर के लिए। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज जीन। इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ट्रेट, जो स्पेसिफिक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो ये इनसाइड मीन्स वो जो डीएनए रहता है हमारा जो क्रोमोजोम में फिट रहता है वो कैसा फिट रहता है वो हम क्रोमोजोम के लेक्चर में देखेंगे। सेल के अंदर रहता है कहाँ पर रहते हैं वो सभी जानकारी हम उस वक्त लेंगे। अभी आप सिर्फ एक बेसिक सी जानकारी लो क्योंकि हमारा अब बैच का नाम ही है 0 to 0 बैच, तो हम सिर्फ आज बेसिक टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। अगला हमारा जो टर्मिनोलॉजी है जो वो है अलील्स। अलील ये बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, अलील इज नथिंग बट अल्टरनेटिव फॉर्म। तो अल्टरनेटिव फॉर्म कैसा है वो अभी हम देखेंगे। आप कंसिडर कीजिए एक एक्स नाम का प्लांट, एक एक्स नाम की वैरायटी है, मैं समझने के लिए आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स नाम की वैरायटी। उसमें पॉपुलेशन में अभी सभी टॉल ही प्लांट है, मीन्स हम अभी प्रिमेटिव में जा रहे हैं, प्रिमेटिव में पहले इसमें सिर्फ टॉल ही प्लांट है। फिर क्या हुआ, इसमें इवोल्यूशन आया, इसमें इवोल्यूशन फैक्टर ने एक्ट किया। इवोल्यूशन की वही वजह से मीन्स इवोल्यूशन में इसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन। फिर क्या हुआ, म्यूटेशंस में इसमें हमें अभी तब तो सिर्फ टॉल ही प्लांट हमें दिख रहे थे लेकिन अब उसमें डॉर्फ भी दिखने लगे और टॉल भी दिखने लगे। जो हमारा जो जीन था मीन्स हमारा एक ही जीन था इसमें, जीन था वो था प्लांट हाइट का, क्योंकि ये
प्लांट हाइट में ही मॉडिफिकेशन हुआ है ना, पहले तो ये टॉल था, फिर ड्वार्फ हो गया और टॉल हो गया, दो आ गए। मीन्स उसको अल्टरनेटिव फॉर्म्स बोलते हैं हम, अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ गए जो कि एक ही जीन के थे, प्लांट हाइट का एक ही जीन था, उसके टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ गए, हम इस अलील कहते हैं। मीन्स अभी देखिए, और कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जो कैरेक्टर होता है ना, इस केस में जो कैरेक्टर है हमारा वो है प्लांट हाइट, प्लांट हाइट ये कैरेक्टर है हमारा। उसके जो दो ट्रेड्स है, टॉल और डॉर्फ, ये हमारे दो ट्रेड हो गए उसके, इसको कहते हैं हम अलील्स। अभी आपका अलील बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अलील बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में। तो फिर आपको मल्टीपल अलील भी हम देखेंगे जब हम मल्टीपल अलील वाला पार्ट सीखेंगे, व्हाट इज मल्टीपल अलील्स। अगर मल्टीपल अलील भी हुए तो भी एट वन टाइम सिर्फ दो ही अलील रहते हैं। ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा होगा सभी को कि मल्टीपल अलील्स में मल्टीपल रहते हैं क्या, नहीं, एट अ टाइम टू ही अलील्स एक्ट करते। मल्टीपल अलील्स मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट अलील लेते हैं, लेकिन एक ही इंडिविजुअल में सिर्फ दो ही अलील रहते हैं एट अ टाइम। जब हम मल्टीपल अलील पढ़ेंगे तब तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जीनोटाइप क्या होता है, देखिए जीनोटाइप्स मीन्स जो हमारा प्लांट था जो कि टॉल था, उसके अंदर का जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। द जेनेटिक मेकअप, ये जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कंसिडर, जो अगर हमने टीटी कंसिडर किया, टॉल टॉल डोमिनेंट, तो उसका जेनेटिक मेकअप टीटी हो गया। लेकिन उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो टी टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि क्योंकि एक्सप्रेस तो डोमिनेंट ही होगा, इसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जो कि उसका अंदर का जेनेटिक मेकअप रहता है उसे हम फॉर पर्टिकुलर जीन और सेट ऑफ जीन्स, इसको हम जीनोटाइप कहते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये बी बी वाला फ्लावर, ये कैपिटल बी स्मॉल बी वाला फ्लावर, इसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप, फिनोटाइप इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ इट्स जीनोटाइप विद इन्वायरमेंट। मीन्स ये जो हमारा प्लांट था, ये टॉल वाला और एक डॉर्फ वाला ले लेते हम, डॉर्फ वाला, ये जो हमें आंखों से दिख रहा है, आपके आपके आंखों से आपको जो दिख रहा है, ये डॉर्फ वाला ये टॉल वाला, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। मीन्स जो हमें ऊपर से दिख रहा है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो राउंड सीड, जो कि आपको आंखों से दिख रहे हैं, राउंड सीड है, या फिर रिंकल सीड, इससे जो हमें आंखों से जो दिखते हैं ऐसे, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। मीन्स एक्सटर्नल अपियरेंस आप कह सकते हैं उसको, एक्सटर्नल अपियरेंस। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए, वहां पर इन्होंने, हाँ ये तो एक वो चेकरबोर्ड वाला एग्जाम्पल है, वो हम आगे देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ बेसिक लेक्चर है हमारा, इसमें सिर्फ हम बेसिक कवर करेंगे। डोमिनेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव, ये दो टर्मिनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट और रिसेसिव। पहले तो हम डोमिनेंट देखेंगे, डोमिनेंट क्या होता है। डोमिनेंट मीन्स ऐसा कैरेक्टर एलील दैट एक्सप्रेस इट्स फिनोटाइप इवन व्हेन द हेटेरोजाइगस विद द रिसेसिव एलील। इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। मान लिया कि किसी भी एक इंडिविजुअल, मीन्स किसी भी एक प्लांट का एक जो कंपोजिशन है वो है टी टी या टी टी या स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हो सकता है। मीन्स जो हम पहले से एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं प्लांट का, ये प्लांट है टॉल और ये प्लांट है डॉर्फ हमारा। तो देखिए यहाँ पर तो दोनों अलील्स कैपिटल टी है, मीन्स यहाँ पर तो टॉल ही आएगा, ये तो फिक्स है। यहाँ पर दोनों अलील्स स्मॉल टी है, यानी कि यहाँ पर डॉर्फ आएगा, ये तो आपको भी पता है। लेकिन इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर एक टी है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, इसमें कौन सा एक्सप्रेस करेगा, उसमें कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। इसमें अगर आप बोल रहे होंगे कि इसमें मीडियम आएगा, इस दोनों का इंटरमीडिएट आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसमें सिर्फ टॉल ही आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो वाला टॉल वाला कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है, मीन्स वो सप्रेस कर रहा है इस स्मॉल वाले टी को। मीन्स ये सुपीरियर है, ये कैपिटल वाला टी सुपीरियर है इस वाले अलील से, इसको कहते हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर। यहाँ पर भी देखिए, ये अलील, इस ये कलर वाला अलील और ये कलर वाला अलील, जब इस दोनों का जब रिप्रोडक्शन होता है,
तब सिर्फ इस कलर वाला ही एनिमल यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये वाला डोमिनेंट है। आई होप कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी डोमिनेंट वाली। अभी रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव अभी मैं अभी आपको पहले एग्जांपल में बताऊंगा जो द अलील दैट ओनली एक्सप्रेस इट्स फेनोटाइप व्हेन द होमोजाइगस एंड नॉट मार्क्स बाय डोमिनेंट अलील। मींस जो हमारा एग्जांपल था ये वाला, इसमें देखिए ये तो आपका डोमिनेंट हो गया है टीटी, और ये तो आपका डोमिनेंट हो गया है। मैंने बताया ये डोमिनेंट कैसे हो गया क्योंकि ये वाला जो अलील है डोमिनेंट है। जो अलील्स आपका एक्सप्रेस नहीं होता F1 में, मीन्स अभी देखिए जब F1 क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको इतना ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो भी जस्ट आप इसको समझे कि वो फर्स्ट जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन होता है। ये जो स्मॉल टी वाली जो दो अलील से हमारे ये रिसेसिव है क्योंकि वो ये कैपिटल वाले टी से सप्रेस हो रहे हैं यहाँ पर। अभी मीन्स मास कर रहा है ये कैपिटल टी स्मॉल वाले टी को। तो फिर मैं आपको एक लॉजिकली एक लाइन बताता हूँ कि ये जो रिसेसिव वाले अलील से ना, इनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ दोनों होमोजाइगस कंडीशन ही चाहिए कि जो रिसेसिव चाहिए। यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो सकते, यहाँ पर भी एक्सप्रेस नहीं हो सकते। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जो कंसेप्चुअल था और आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक लेक्चर है इसलिए आप एडवांस की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, एडवांस भी होगा हमारा, ये सिर्फ बेसिक से हम स्टार्ट किया है। क्रोमोसोम तो आप सबको पता ही होगा, क्रोमोसोम क्या होते हैं कुछ नहीं, आपको प्री आइडिया होगा ही। हम तो डिटेल में लेक्चर में इसमें एक सेपरेट लेक्चर रख देंगे। स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट कंटेन जीन्स। ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए आप ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का। इसमें एक सेंट्रोमियर होता है, टीलोमियर मीन्स एंड होता है, क्रोमोसोम का एंड होता है, वो भी हम देखेंगे डिटेल लेक्चर में, व्हाट इज टीलोमियर, व्हाट इज सेंट्रोमियर। और इसमें एक डीएनए की पैकिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोन्स है, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है। मीन्स वो पैकिंग कैसी होती है, इसमें मॉडल्स थे डुप्राव ने दिए हुए मॉडल्स है, कुछ फोल्डेड फाइबर मॉडल्स है, वो सभी मॉडल्स हम एक एक करके देखेंगे। ये दो आर्म होते हैं क्रोमोसोम के, एक लॉन्ग आर्म और एक शॉर्ट आर्म। जो इस आर्म को भी हम पी आर्म या क्यू आर्म कहते हैं, वो मैं आपको डिटेल लेक्चर में बताऊंगा कौन से आर्म को क्या कहते हैं। ऐसा एक क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस के लिए। हाँ, और हमारा एक और भी चैनल है ग्रीन थंब नाम से, हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है, उस पर कुछ वीडियो नहीं डाली हुई भी अभी हम वहां पर। अगर आपको प्लांट ब्रीडिंग सीखना है अच्छे से फ्रॉम बेसिक से, प्लांट ब्रीडिंग जीरो से, तो आप ये वाला चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए। इसी नाम से आपको चैनल यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। वहां पर हम प्लांट ब्रीडिंग लेंगे जो कि सेमिस्टर वाइज होगा, सेमिस्टर वाइज कोर्स होगा। और टेलीग्राम चैनल की भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो हमारा। वहां पर हम डेली क्विज कराते हैं, डेली क्विज, डेली क्विज होते हैं वहां पर, डेली क्विज आपको मिल जाएंगी। ग्रीनथम एग्री इंस्टीट्यूट नाम का हमारा चैनल है यूट्यूब पर, और हमारा ग्रुप भी है टेलीग्राम पर, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भेज दूंगा। काइंडली सभी ने ज्वाइन करना है और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। प्लांट ब्रीडिंग वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सिर्फ जेनेटिक्स ही कवर होगा आपका। देखिए होमोजाइगस क्या रहता है अभी, मीन्स हैविंग टू आइडेंटिकल एलील्स ऑन अ पर्टिकुलर जीन। देखिए अभी हमारा जीन है, मैंने आपको बताया कि जीन के टू टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहते हैं। हमने तब एग्जांपल लिया था, तब ये टीटी वाला लिया था, ये टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहते हैं टीटी। ये दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए हमारे। अगर ये आइडेंटिकल हुए, अगर यहाँ पर भी टी हुआ और यहाँ पर भी टी हुआ, यहाँ पर भी लिया उसने, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
यहाँ पर भी स्मॉल भी कैप स्मॉल भी है, यहाँ पर भी स्मॉल भी है। अगर ये सेम हुए तो हम उसको कहते हैं होमोजाइगस, पता है? पता चला अभी? अगर ये सेम सेम हुए तो होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट हुए तो हेटरोजाइगस। बहुत इजी है, हैविंग अ टू आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन्स। मीन्स वहां पर अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो आपको कैपिटल डी मिलेगा, मीन्स उसको टॉल ही आएगा। अगर होमोजाइगस है तो टॉल भी आ सकता है या फिर डॉर्फ भी आ सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है जो दो वाले जो अलील से वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। और हाँ, हमारी अगली टर्मिनोलॉजी वही है, हेटरोजाइगस क्या होता है। हेटरोजाइगस वही मैंने जो आपको बताया कि ये जो एक वाला जो हमारा अलील है वो कैपिटल है और ये स्मॉल है, मीन्स हमारे एग्जाम्पल में ये वाली कंडीशन। देखिए, ये वाली हमेशा वही फिनोटाइप शो करेंगी जो डोमिनेंट होगा, अगर हम मेंडल के हिसाब से बात कर रहे हैं तो। अगर हम मेंडल के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं तो उसके एक्सेप्शन आ जाते हैं, इसमें कोडोमिनेंस हो गया, इसे एग्जांपल्स जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया, ये हम एक एक करके सभी देखने वाले हैं। फिलहाल तो आप आज हम इतनी ही टर्मिनोलॉजी कवर करेंगे। आप जाके ग्रीनथम वाला चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसमें हम प्लांट ब्रीडिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से प्लांट ब्रीडिंग वहाँ पर कवर करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और वो बेसिक से आपको हीरो तक का सफर तय करेगा। यहाँ पर मैं जेनेटिक्स जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया वो उतना कवर करने वाला हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मेरा सिखाने का तरीका कैसा है, या आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो जो आप सजेशन मुझे दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, गो एग्रो पर ही। और आप ये वीडियो बहुत सारे आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।